वहीं मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के तहत क्षेत्राधिकारी घोसी मधुबन पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संजय जायसवाल के विरुद्ध थाना कोपागंज में गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त संजय जायसवाल आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए स्वयं और अपनी गैंग के सदस्यों के साथ गांजा तस्करी के अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल के नाम से मऊ में दो मंजिला मकान निर्माण करवाया था, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। गांजा तस्कर और गांजा तस्करी से अर्जित धन से जो भी इनका भाई का नाम पर हीरापट्टी तहसील मधुबन पे जमीन खरीदा गया था, उसको जिला अधिकारी महोदय ने गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के अंतर्गत अटैच किया गया है। इसका आज घोसी पुलिस और मधुबन पुलिस के साथ वहाँ मौके पर जाके इसी जमीन को 14(1) धारा के अंतर्गत कुर्की किया गया है। तो वही अलीगढ़ में थाना अतरौली के मोहल्ला कटरा में कल रुपयों को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसमें 20 सड़क पर खूब लाठी डंडे चले और दो युवकों के सिर से खून निकल रहा था। बता दें कि लोग तमाशबीन बने हुए ये सारा माजरा देख रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए घायलों का उपचार कराया। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही ललितपुर में सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा में शहजाद नदी का क्षतिग्रस्त पुल बंधा बन गया। बता दें कि इस आयोजन में 49 मंदिरों के विमान शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। वर्तमान में नगर के दो प्रमुख मंदिरों के जल विहार में शामिल होने की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि मंदिर को जाने वाले रास्ते का पुल टूटा पड़ा है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुल बनवाने की मशक्कत कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन नगर पालिका PWD पुल की मरम्मत कराने की जगह एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते नजर आ रहे हैं। तो वही जनप्रतिनिधि अपनी आंखें बंद किए हैं, उन्हें उस तरफ दिखाई देता ही नहीं। पिछले 6 वर्ष पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से चैन बनाकर क्षतिग्रस्त पुल के विमान निकाला था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी की अधिकारी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। ईओ साहब से हमारी बात हुई, ईओ साहब कह रहे हमारे एरिया में है नहीं है, हम करवा नहीं पाएंगे, तो आपको घुमा के विमान लाना पड़ेगा। हमको 4-5 किलोमीटर पड़ रहा है विमान ले जाने में, और फिर हमारी उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी से बात कर लो, चेयरमैन साहब से। हमने चेयरमैन साहब से बात किया, उन्होंने ये कहा है कि हमारी डीएम साहब से बात हो गई, आप डीएम साहब से बात कर लीजिए, डीएम साहब करवा सकते हैं वो। आपने इस संबंध में विधायक से कोई बात की? नहीं, विधायक जी से हमारी बात हुई, विधायक जी ने भी कई बार मंत्री जी से मुख्यमंत्री से बात हुई उनकी, और कई बार अखबारों भी नींद आई है कि पुल बनना है और पैसा भी आ चुका है, लेकिन ये सब फर्जी बातें हुई है, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं हुई है। इस बार जिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि हम उसको शीघ्र ही उसका निराकरण करवाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां पर नगर पालिका से ये निर्देशित भी किया था कि उसको कम से कम इतना टेम्परेरी कर दो कि वहां से विमान आसानी से निकल जाए। लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी परमानेंट हो जाए, वरना किसी भी दिन अगर किसी भगवान की मूर्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, मूर्तियां खंडित हो जाए। आज भी ईओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा मैं उनसे कह देता हूँ, चेयरमैन से, चेयरमैन ने कहा कि भाई मैं डलवा दूंगा, देखो कोशिश कर रहा हूँ, और यू से कहकर डलवा क्यों ने ये कहा कि राउंड करके आ जाइए, क्योंकि तो हम लोगों ने ये कहा आनंद महाराज ने कि बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता, तो हम लोग कोई विमान महंगा होता, 4 लोग लगते हैं, बजनी होता है, तो इतना चक्कर काट के हम लोग नहीं आ पाए। व्यवस्था कर दोगे तो आएंगे ना, तब विमान नहीं निकालेंगे। ललितपुर की करीब सदियों पुरानी परंपरा 1886 से चला रहा है सुमेरा तालाब पर नगर के सभी विमान आते हैं, जल विहार का कार्यक्रम जो डोल 11 पे आयोजित होता है। वहीं बलखंडी और पंचमुखी हनुमान जी के पास जो पुल टूटा हुआ है उसको सुधारने के लिए ना नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि। संबंधित अधिकारी से बात होने पर नगर पालिका अध्यक्ष को उन्होंने आदेशित भी किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने बात करने के दौरान जानकारी मिली थी कि उन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन वहां टेम्परेरी व्यवस्था भी नहीं है, उदासीन
ता बराबर नगर पालिका की दिखाए देखने को मिल रही है। वही नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो वो मीडिया से भी रूबरू होने के लिए कतरा रहे हैं। ललितपुर से प्राइम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल अहम बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।